नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी वर्सन। आज दोस्तों मैं एक बहुत बड़ी नर्सरी में आया हूं जो है एडिनियम की नर्सरी। ये एक एडिनियम की स्पेशलिस्ट नर्सरी है जो कलकत्ता की, क्योंकि ये बंगाल की, इंडिया की सबसे बड़ी एडिनियम नर्सरी है और सब तरह के एडिनियम के पौधे, जितने तरह के आप सोच सकते हैं, सारे वैरायटी के पौधे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और यहाँ पर से ये सीड से, बीज से सीडलिंग निकालते हैं, जो वो 6 महीना 1 साल हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब उसको कटिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं। और ये है मिस्टर संजय कुमार मंडोल जो ग्रीन व्यू नर्सरी के मालिक है। ये है ग्रीन व्यू नर्सरी जो यहाँ पर इतनी वैरायटी और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में जो बिकते हैं ये इस तरह के, और सबसे बेस्ट क्वालिटी के एडिनियम आप यहाँ से मिल जाएंगे। तो मैं आपको परिचय कराता हूँ सारे क्या क्या एडिनियम के पौधे यहाँ पर हैं, कैसे ये ग्राफ्ट होते हैं, किस किस के वैरायटी है, यहाँ पर सारे डिटेल्स में आपको बताने जा रहा हूँ। और आप देखिए, ये जो एडेनियम है, ये एडेनियम ओबिसम के पौधे हैं, ये 20 से निकाले गए हैं और ये करीब 6 इंच से 12 इंच बड़े हैं, लंबे हैं, करीब 8 से 12 इंच लंबे हैं। और ये छोटे छोटे आर्देन पॉट में, मिट्टी के पॉट में लगाए हुए हैं। और यहाँ पर से जो टहनी करे भी, पेंसिल से भी थोड़ी मोटी हो जाए, तब इसको काट के इसमें से ग्राफ्टिंग किया जाता है। ये देखिए आप, कुछ दिन पहले, 1.5-2 महीने पहले सारी ग्राफ्टिंग की, कितनी अच्छी तरह के कलर, करीब 6 इंच लंबे हैं ये पौधे। और ये मैं दिखाता हूँ ग्राफ्टिंग का एरिया, ये जो आपके जोर की जगह दिखा रहे, ये है ग्राफ्टेड एरिया। और ये ग्राफ्ट जो अपना दिख रहा है, साफ दिख रहा है आपको, जोर जो है जहां पर जोर लगा, ये ग्राफ्ट पोर्शन है। और यहाँ पर पुराने जो है वो तो सीडलिंग से बने हैं और ऊपर जो ग्रैप लगाए, ये डबल वैरायटी का लगाया गया है। और ये देखिए आपको कितने सुंदर, और ये जस्ट 1.5 महीने हुए हैं ग्राफ्टिंग में और उसमें फूल भी आ गए हैं, कितने सुंदर। और ये सारे रोजी वैरायटी के हैं, रोजी मतलब जो हम लोग रोज होते हैं, गुलाब होते हैं, गुलाब के तरह के जो होते हैं, यहाँ पर 100 होते हैं। और ये छोटे से पौधे में देखिए आप कितने अच्छे फ्लावर आ गए हैं, और आप इसमें लगाएंगे तो 1 साल में पूरा फूल, कितनी अच्छी अच्छी कलियाँ निकली है इसमें से, और हर एक तरह के कलर। ये देखिए करीब 3 से 4 इंच बड़ा ये गुलाबी और सफेद का कॉम्बिनेशन का फूल है, कितना सुंदर फूल दिखता है। एक एक पौधे में कम से कम 20-25 फूल खिलेंगे एक एक साथ, तब आप देखेंगे नज़ारा देखने लायक होगा। और ये क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, देखने में कितना सुंदर लाल गुलाब भी अंदर में सफेद कलर के दिखता है, या फिर सफेद अंदर होता है बाहर होता है, ये देखिए बिल्कुल सफेद गुलाब के जैसे है। और कितना सुंदर ये वैरायटी आपको दिखता है, हर तरह की वैरायटी आपको यहाँ मिलेगी। और ये 6 इंच के पौधे जस्ट, और अभी तो इसको ग्रो होना है, ये करीब 1.5 साल 2 साल में इतना बड़े पौधा हो जाएंगे। और यहाँ हजारों पौधे की ग्राफ्टिंग की गई है, और एक बार जब थोड़े से ग्रो हो जाए तो ग्राफ्टिंग जब की जाए तो बड़े जो पॉट हैं उसमें वो ट्रांसफ़र कर जाते हैं। और उसमें जो मीडिया दिया गया आपको देखते हैं, ये ब्राउन कलर के, इसमें ये है कोकोपीट, कोको कॉयर और थर्मोकोल बॉल, मेनली यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हल्के होने के लिए ये इस मीडियम में ग्रो करते हैं। ये इस मीडियम में बहुत अच्छे ग्रो कर सकते हैं, कोको पीट, कोको कॉयर और थर्मोकोल बॉल। और यहाँ पर हजारों वैरायटी आपको मिल जाएंगे, सिंगल या डबल, या देखिए सफ़ेद गुलाब, ये एकदम बिल्कुल बड़ा 3 इंच से भी ज़्यादा डायमीटर का गुलाब है, और इस तरह के। ये मैं आपको दिखाता हूँ सारे ग्राफ्टिंग किए गए संजय मंडल ने यहाँ पर जो नर्सरी में कर रखा है यहाँ पर। और यहाँ पर सैकड़ों वैरायटी मिल जाएंगे, मैं जो आपको ब्रोशर दिखा रहा हूँ इसमें 220 वैरायटी है, और सारे में नंबर दिए गए हैं, सारे नंबर दिए गए हैं। आपको अगर कोई ख़रीदना है, कोई वैरायटी चाहिए, तो आप इसमें से नंबर बता दें इसके ब्रोशर से, और वो आपको देंगे। तो ये है ग्रीन व्यू नर्सरी का ब्रोशर, और आप इसमें से ऑर्डर कर सकते हैं कहीं पर भी। और ये बहुत अच्छा नर्सरी है, और इसमें से हर तरह के कलर कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे, और हर तरह के एडेनियम, जितने तरह के एडेनियम आपको मिलते हैं, ये आपको मैं परिचय कराता हूँ। ये क्या है, ये सफ़ेद है, और ये जो है सफ़ेद और गुलाबी में है, ये मेरा परिचय करा रहे हैं कौन सा पौधा है, कौन सा कलर का फूल खिलाएगा। और भी ये दिखा रहे, ये बोल रहे कुछ पर्पल है, कोई लाल है, कोई वायलेट है, और सारे पौधे यहाँ पर दिख रहे हैं आपको एक एक करके, सारे डबल है, सारे डबल वैरायटी है, और डबल में एडेनियम ओबिसम के रोजी वैरायटी है, सारे है रोजी वैरायटी।
और ये देखे लाल गुलाब जैसा कितना सुंदर, बिल्कुल आप डिफरेंशिएट नहीं कर सके गुलाब है या ये डिजर्ट रोज है या फिर एडेनियम है। और इसीलिए इसको डिजर्ट रोज कहा गया क्योंकि ये रेगिस्तान में करीब लगते हैं, गुलाब जैसे खिलते हैं। और देखिए ये देखिए नंबर का दिखाता हूँ, ये कागज का टुकड़ा का लगा हुआ है, टैग है, इसमें सारे नंबर लिखे हुए हैं, कोई में 44 लिखा हुआ है, कोई में 52 लिखा हुआ है, कोई में 55 लिखा हुआ है, और ये है इसमें सारे टैग लगे हुए, इसलिए ताकि आपको नंबर से पता चल सके ये ग्रेफ्ट किस कलर का ग्रेफ्ट है, ताकि आपको ये देखते ही मैं टैग दिखा रहा हूँ, इसमें टैग सारे लगे हुए हैं। और ये टैग मैं दिखाता हूँ, इसमें लिखा हुआ है R53, मतलब R53 नंबर, आर में यानी कि रोजी, रोजी का ये नंबर है, सारे रोजी के बहुत सारे हैं, ये R53 है, ये जो दिखा रहा हूँ मैं आपको R52, देखिए जस्ट अभी ग्राफ्टिंग की है, इसमें दो तीन कलियाँ अभी निकल गई है, कितनी बड़ी कलियाँ है इसमें। और दोस्तों ये यहाँ पर सिंगल जो वेराइटी है, यहाँ पर 80 वेराइटी है जो कि सिंगल फ्लावर खिलते हैं, ये सीड से बने हुए हैं सारे, सीड से बने हुए पौधे में एडेनियम ओवेसम में 80 वेराइटी आपको मिल जाएंगे। और जो डबल वेराइटी है जो ग्राफ्ट किए जा रहे हैं उसमें करीब 220 वेराइटी है, रोजी वेराइटी है इसमें, इस नर्सरी में आप इतनी जो वेराइटी है वो कहीं आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप चाहें एक एक करके पौधा भी लें तो कितने आप खरीदेंगे, बहुत बहुत सारे हैं आपको ग्रो करने के लिए। ये मैं आपको लेकर आए, ये 2 से 3 साल पुराने पौधे हैं जो ग्रो किए गए हैं, अब इसको निकाल के रखा गया इसको रिपोर्टिंग करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए, या तो अर्दन पॉट हो, मिट्टी का गमला हो, कोई भी हो, कोई अगर आपका और भी तरह का किसी भी तरह का प्लास्टिक का गमला हो, जहां पर भी जैसे ट्रांसपोर्ट करना हो, अगर रिपोर्टिंग करते हैं तो 3-4 दिन आप निकाल के मिट्टी उसके हटा के बिल्कुल सुखा देते हैं। ये आपको दिखाते हैं, ये करीब 1 साल पुराना पौधा है जो गमले में लगाए हुए हैं, और ये है छोटे 3 इंच के गमले में जस्ट ये सीडलिंग किए गए हैं साथ, और ये करीब 4 इंच लंबा पौधा है, और इसको अब धीरे बाद में बड़े करके इसमें ग्राफ्टिंग करेंगे, या फिर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, या फिर बोनसाई बना सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। ये जो है 6 इंच के गमले में है और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, करीब 1.5 फीट 2 फुट लंबे भी पौधे हैं, और आप इसको कटिंग कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, या फिर इसको बोनसाई बना सकते हैं। ये जो है सॉयल मिक्स दिखा रहे हैं, इसमें गार्डन सॉयल है, रेत है मतलब बालू है, उसमें कुछ थोड़ा वर्मी कंपोस्ट भी है, थोड़ा बोन डस्ट है, और इस तरह का जो मटेरियल मिला के सुरखी भी हो सकती है, ऐसे मिला के ये बनाते हैं। ये साले पुराने पौधे निकाले हैं जो ग्रोइंग बैग से, उसको निकाल के इसको धूप में सुखाते हैं बिल्कुल, और फिर ये जो नई जो अपनी पॉटिंग मिक्स है ये बनाते हैं, ये करीब निकाल के 5-6 दिन धूप में निकाल दे, पूरी मिट्टी सुखा देते हैं पूरे पौधे को, उसके बाद इसको रिपोर्टिंग की जाती है। तो मैं एक तो रिपोर्टिंग करके दिखाता हूँ, ये हमारे मोन्टू घोड़ाई हैं और सोनू बानू, ये लोग हेल्प कर रहे हैं। तो ये तो एक बोनसाई का पॉट है, अर्दन पॉट, मिट्टी का गमला है बोनसाई का, तो इसमें हम पॉटिंग करके दिखाते हैं कैसे ये लोग पॉटिंग करते हैं और फिर उसको बेचते हैं ये लोग। तो हर तरह के गमले में, जिस तरह के गमले में आपको चाहिए उस तरह के गमले में ये लोग ट्रांसफर करके पॉटिंग करके, ये है पॉटिंग मीडिया जिसमें न्यूट्रिशन बहुत कम होता है, और इसमें रेगिस्तान का जैसा है, जो ऐसा एनवायरमेंट है ऐसा बनाया जाता है डिजर्ट के जैसे, उसी तरह के पॉटिंग मिक्स बनाई जाती है। उसके बाद एक दिन इसको ऐसे ही रख दे, फिर अगले दिन इसमें पानी दे। ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसमें जो टहनियाँ होती है, टहनी को इंटरवोवन करके डिजाइन किया जाता है, बहुत लोगों को डिजाइनदार पौधे पसंद आते हैं, इसको अलग से टेक्निक से इसको इंटरवोवन किया जाता है, और ये कुछ कुछ तो पौधे इस तरह के डिजाइनदार भी बनते हैं, कुछ तो इसको आप जो बनाते हैं जो बोनसाई वो होते हैं। ये जो सीडलिंग है ये थाइसोको की सीडलिंग है, ये जो थाईलैंड से सीड से लोग मंगाते हैं बैंकॉक से, वहाँ से इसको ग्रो करते हैं। ये थाइसोको वेराइटी बहुत ही फेमस वेराइटी है इसमें, और ये जो पत्ते आप देखेंगे हर तरह के अलग अलग होते हैं। ये जो सीडलिंग देख रहे हैं ये अरबिकम की सीडलिंग है, अरबिकम के सीडलिंग, ये जो मालिक गए थे थाईलैंड बैंकॉक से, ये सीधे सीड्स लाए हैं और ये लाके इसको सीडलिंग किए हैं, ये अरबिकम की है, इसमें पत्ते में थोड़े थोड़े फर्क होता है, तो आप नज़दीक से आसानी से पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन 3-4 पौधे को अलग अलग स्पीसीज को सामने रख दें तब आप इसको डिफरेंस कर सकते हैं। ये है अरबिकम का, और ये सोमालेंस, ये नया आया है अभी, ये सोमालेंस वेराइटी है, इसके भी पत्ते देखिए गाढ़े ग्रीन कलर के हैं और ये थोड़ा सा अलग आता है, और आपको सारे तो ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते,
सामने रखना पड़ेगा चार पांच पौधे हर अलग अलग स्पीसीज का, तब आप इसको अलग कर पाएंगे जो कौन सा पौधा है। और अलग अलग वैरायटी के जितने भी वैरायटी करीब 12 स्पीसीज पाए जाते हैं इसमें, यहाँ पर 5 स्पीसीज के पौधे यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। जो ये जो संजय कुमार जी है वो अपने हाथों से पूरा काम करते हैं, बहुत बड़ा लोग हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन ये अपने देखभाल करके इतनी बड़ी नर्सरी बनाया है पूरे कलकत्ता में, आप सोच नहीं सकते कितना। ये मैं दिखाता हूँ कि बी कटिंग से ये ग्रो किए गए हैं, ग्राफ्टिंग की है बी ग्राफ्टिंग, ये भी बी ग्राफ्टिंग किया गया है, बी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं या फिर फ्लैट ग्राफ्टिंग जिसको प्लेट ग्राफ्टिंग कहते हैं, यहाँ पर इसको लोकल में इसको टैबलेट ग्राफ्टिंग करते हैं और संजय मंडोल जी ये एक्सपर्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर आप चाहते हैं आप यार दोस्तों के साथ तो शेयर कर दें वीडियो को, और अगर आप इस मेरी वीडियो में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, मैं आगे चल के बहुत बहुत सारे आपके बारे में बताने जा रहा हूँ, और इसके बारे में जो आपको डिटेल्स चाहिए तो मैं इसमें डाल दूंगा संजय जी के जो एड्रेस वगैरह या फ़ोन नंबर है, आप नीचे जो बॉक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। और आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, इस तरह आपको बहुत